तीस सितंबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर को 1500 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात देंगे मुख्यमंत्री मेट्रो के ट्रायल रन के लिए भी मौजूद रहेंगे सीएम के इस आयोजन के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है देखिए खास खबर विधानसभा चुनाव को लेकर चार अक्टूबर के बाद कभी भी आचार संहिता लागू हो सकती है यही कारण है कि राज्य सरकार आचार संहिता लागू होने के पहले सभी विकास कार्यों का शुभारंभ करना चाहती है इंदौर में भी लगभग 1500 करोड़ के कार्य शुभारंभ की बाट जो रहे हैं पहले 14 सितंबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री शुभारम्भ करने वाले थे लेकिन व्यस्तता के कारण उनका कार्यक्रम टल गया अब 30 सितंबर को मुख्यमंत्री इंदौर आएंगे जिसमें वह सबसे पहले मेट्रो के ट्रायल रन में पहुंचेंगे। इसके बाद इंदौर विकास प्राधिकरण लोक निर्माण विभाग और नगर निगम द्वारा किए जाने वाले विकास कार्यो का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे इसमें सबसे प्रमुख पिपलेहाना क्षेत्र में बने अंतरराष्ट्रीय स्विमिंग पूल के अलावा करीब आठ फ्लाईओवर ब्रिज शामिल है अभी वैसे एक प्रारंभिक मतलब तीस तारीख को है Uh, उसमें आई थिंक मेट्रो रेल का ना ट्रायल रन है उसके अलावा शहरी क्षेत्र का अधोष संरचनाएँ हैं स्पेशली फ्लाई ओवर्स हैं uh, और रोड्स हैं uh, उसकी भूमि पूजन शिलान्यास लोकार्पण के ना कार्यक्रम होगा लाहौकूद चौरा में डबल टक्कर ना फ्लाई ओवर आई का है उसके अलावा सेधु बंदन योजना का सत्यसाई मूसा केडी आई पार्क चौरा है उसका फ्लाई और हमारी आर ओ भीस हैं कुछ रेती मंडी बाणगंगा इस प्रकार का है ना रोड्स और फ्लाईओवर्स के है ना मतलब है ना भूमि पूजन के कार्यक्रम है ना प्रस्तावित है उसके अलावा आई के द्वारा एक इंटरनेशनल स्विमिंग पूल भी है ना पूरा हो गया है उसमें सारे खिलाड़ियों को है ना बुला करके उसका भी है ना लोकार्पण है ना संभावित है हम लोग और भी कार्यक्रम है ना जब समय के अनुसार है ना मतलब करने के लिए प्रपोज़ कर रहे हैं वैसे हमारे रेड क्रॉस हॉस्पिटल भी है फिर स्कूटी और लैपटॉप का वो जब समय के हिसाब से रखे हैं ना हम लोग है ना करेंगे इंदौर जिला प्रशासन भी रेड क्रॉस समिति के नए भवन के लोकार्पण के साथ ही दिव्यांगों के लिए स्कूटी वितरण का कार्यक्रम करना चाहता है यदि मुख्यमंत्री के पास समय हुआ तो यह कार्यक्रम भी शामिल किए जाएंगे ब्यूरो रिपोर्ट एमपी न्यूज इंदौर